नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। जी मीडिया की खबर है, इंजीनियर्स को चार्जशीट देने की तैयारी है। जल जीवन मिशन में घटिया काम पर इंजीनियर्स को अब चार्जशीट थमाई जाएगी। अलवर NCR में जी मीडिया ने जमीन खोद कर ये खबर दिखाई थी, सच्चाई सामने लेकर आए थे। 48 इंच की बजाय सिर्फ 9 इंच पर ही पाइपलाइन डाली गई थी। खबर के बाद में अलवर NCR SC KC मीणा APO पहले ही हो चुके हैं, अब जल्द ही और जिम्मेदार इंजीनियर्स भी नप सकते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तत्कालीन XCN नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, XCN दिव्यांग त्यागी, तत्कालीन AN राजेश शर्मा, वर्तमान AN बरकत खान योजनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। आशीष चौहान हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ तक कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, जो हमने खबर दिखाई उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है और अब चार्जशीट देने की तैयारी है इंजीनियर्स को, क्या रहेगा पूरा मामला, किस तरीके से इनको थमाई जाएगी चार्जशीट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम जो जिम्मेदार इंजीनियर्स हैं उनको चार्जशीट देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और जल जीवन मिशन को लेकर जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अलवर में जमीन खोद कर सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से वहाँ घटिया काम हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और देखिए, इस खबर के बाद में लगातार जो असर है वो दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जिस तरीके से APO किया गया है अलवर NCR के जो SC है KC मीणा, उनको कुछ दिन पहले ही APO किया गया था और अब जल्द ही तमाम जो इंजीनियर्स हैं, जिम्मेदार इंजीनियर्स, उनको चार्जशीट थमाने की तैयारी डिपार्टमेंट कर रहा है। जो तत्कालीन जो XCN है नरेंद्र प्रसाद गुप्ता XCN और अभी जो वर्तमान में XCN है दिव्यांग त्यागी, या फिर तत्कालीन जो AN की बात करें राजेश शर्मा, वर्तमान AN बरकत खान, ये तमाम जो इंजीनियर्स है इस योजना के लिए जिम्मेदार है। अब डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि आखिरकार ये गड़बड़ी किसने की और किस चीज को यहाँ पर चार्जशीट थमाई जाएगी। कुछ दिन बाद में ही इन्हें चार्जशीट मिलने के बाद में इन इंजीनियर्स पर कार्रवाई होगी। और देखिए, जी मीडिया ने यहाँ पर अलवर में जाकर बड़ा खुलासा किया था, जो पाइपलाइन 39 इंच तक खोदनी थी, गहराई तक खोदनी थी, वो मात्र 9 इंच या 6 इंच तक करके तमाम जो इंजीनियर्स या फिर फर्म है उन्होंने इतिश्री कर दी थी। जिसके बाद में खबर के बाद में जलदाय विभाग जागा और लगातार वहां पर जो जांच टीम है उसको भेजी। जांच टीम में भी कई गड़बड़ियां आई थी, शिकायतें आई थी और कई जो सैंपल है वो भी फेल हुए थे। तो निश्चित तौर पर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और अब जल्द से जल्द इन्हें चार्जशीट थमाने की तैयारी डिपार्टमेंट कर रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई होती है और किस तरह से जो इंजीनियर्स हैं उन पर गाज गिरती है। फिलहाल एक इंजीनियर को अभी APO कर दिया गया है, ऐसी जिस तरीके से KC मीणा है वहां पर जिम्मेदार, उनको APO कर दिया है, लेकिन जो दूसरे जिम्मेदार इंजीनियर्स है अब देखना होगा कि उन पर डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करेगा। जी ठीक आशीष, शुक्रिया आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो इंजीनियर्स को अब चार्जशीट थमाई जाएगी। जी राजस्थान ने जो खबर दिखाई थी उस खबर का बड़े पैमाने पर और व्यापक असर हम देख रहे हैं। पहले एक अधिकारी APO किया गया और अब आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है और भी कई अधिकारी इसके जांच की जद में आ सकते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। अब बात विशेष की करेंगे क्योंकि आज श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होगी, जिसमें 25 देशों के 60 प्रतिनिधियों समेत कुल 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक